था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। फिर किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे। उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उन्होंने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा अच्छा, तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर। अच्छा, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैंने उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही, मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो मैडम के साथ? सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफी लोगों की, इस लॉकडाउन में ही अगर मैं बात करूं, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिए, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा अच्छा, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये गोविंद राजपूत? सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो की तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री की गाड़ी चलाता है। तुलसी सिलावट जी? कौन से मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा, नहीं वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर, वो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था। मंत्री जी के वहाँ से उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही लिए। 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था जो कि कल ही लिया था। ठीक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।